सईद सज्जाद के पास एक शख्स आया तो उसने कहा, मैंने आपके वालिद की पुश्त पर कुछ स्याह रंग के धब्बे देखे थे। फिर जब इमाम सज्जाद को इमाम मोहम्मद बाकिर गुस्ल दे रहे थे तो देखा गया कि इमाम सज्जाद की पुश्त पर भी स्याह रंग के धब्बे थे। पूछा गया इमाम हसन से, इमाम सज्जाद से, इमाम बाकिर से कि ये किस चीज़ के धब्बे थे। फरमाया मेरे बाबा, यानी इमाम हसन ने फरमाया मेरे बाबा अली, इमाम सज्जाद ने फरमाया मेरे बाबा हुसैन, और इमाम बाकिर ने फरमाया मेरे बाबा सैयद सज्जाद रातों को अपनी पुश्त पर खाने पीने की अशिया उठाकर ले जाते थे, मुस्तहिकीन तक पहुंचाते थे। ये निशान बार बार उन थैलों को उठाने की वजह से इनकी पुश्त पे पड़े थे। बात पहुंच गई। अगर चाहते हैं इमाम हुसैन का कुर्ब हासिल करें, इस वक्त आपके मोमिनीन जो सिंध में, जो पंजाब में, जो बलूचिस्तान में इन सैलाब आने की वजह से सैलाब जदगान हो गए हैं, उनकी मदद इस वक्त सीरत आइम्मा पर अमल करना है। खुदा की कसम, बड़ी ज़रूरत है आपकी वहाँ पर। आप नहीं जा सकते, जिसको काबिल एतबाद समझते हैं उस तक कुछ ऐसी चीज़ पहुँचाएँ जिसके ज़रिए से उन मोमिनीन की, उन मुस्लिमीन की, उन इंसानों की मुश्किल हल हो। आज आप किसी की मुश्किल हल करेंगे, कल परवरदिगार आपकी मुश्किल हल करेगा। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ये एक पैगाम देना चाहता था जो आप तक पहुँच गया। परवरदिगार आप सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। इमाम हुसैन और हज़रत ज़हरा आप सबसे राज़ी हों।